हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड घोटाला है और वो किसी और नहीं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है, ये जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि ये भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से बाहर हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार देश के हर कानून से ऊपर है? क्या जमानत पर होने पर उनको जांच एजेंसियों के सामने जाकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए कि घोटाला क्यों किया? अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का है? ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जांच से क्यों डर रहे हैं? और कांग्रेस के नेता जनता की आवाज उठाने की बजाय गांधी परिवार तक सीमित होकर क्यों रह गए? जहां देश को आजादी आज से 75 वर्ष पहले मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी को अभी भी गुलामी में जीना पड़ रहा है एक परिवार के। सर, पहले जो धरने होते थे, अगर हम 7-8 साल पहले जाएं, लोगों के मुद्दों पे धरने होते थे, लेकिन आज एक परिवार को मतलब बचाने के लिए धरने हो रहे हैं, तो सर ये किस तरह की राजनीति है? शायद यही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के कारण जो छवि कांग्रेस की गिरी है, एक के बाद दूसरे राज्य में इनकी जमीन खिसकती गई, चुनाव हारते गए और लोकसभा में भी आज इनकी हालत हो गई है और राज्यसभा में भी संख्या इनकी कम हो गई। और जो नेता चुनकर आते हैं वो राष्ट्रपति को भी अपमानित शब्द कहकर संबोधित करते हैं, अपमान करते हैं और उसके बाद